अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सानिया खान, माय ग्रेट लीडर सर इरफान साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी आज के अपने सेशन को अच्छे से प्रोसीड कर सकूँ और आप लोगों को अच्छे से जो है वो गाइड कर सकूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर आपकी। ओके सर, ठीक है, अपना मार्कर देख ऑन सकते कर हैं लें। अपनी पेंसिल। जी सर, मैं कर रही हूँ। ओके ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यू मेंबर को, न्यू कस्टमर को किस तरह से डील करना है। कि जैसे ही हमारे पास कोई पर्सन आता है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आता है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, कहीं से भी आता है, तो आपने उसको किस तरह से डील करना होता है आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, आप लोगों का ऑटो मैसेज जो है ना वो लगा होना चाहिए इस तरह से, जैसे ये मेरा लगा हुआ है, ठीक है। आप लोगों का ऑटो मैसेज लगा होना चाहिए। जो न्यू मेंबर्स हैं, अगर उनको नहीं पता ऑटो मैसेज किस तरह से लगाया जाता है, कल सर आतिफ ने भी बताया कि किस तरह से ऑटो मैसेज लगाते हैं, ठीक है। आपका ये ऑटो मैसेज सबसे पहले जो है ना वो लगा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें, जैसे कि वक्त बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और वक्त के साथ साथ जो है ना लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो अगर हम वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम ना वक्त के साथ जो है ना वो हम पीछे रह जाएंगे, वक्त के साथ नहीं चल सकते। क्वालिफिकेशन जो है वो इतनी ज्यादा अहम नहीं रखती, ना एक्सपीरियंस अहम रखता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ और सिंपल सिर्फ इतना सा आप लोगों ने मैसेज जो है ना अपना ऑटो मैसेज लगाना है, सिर्फ ये लिखा होना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम सर मैम, पहले मुझे अपना नाम बताएं, इसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ। सिर्फ आप और उससे और कुछ नहीं पूछना, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नाम भी हमने इसलिए पूछना होता है क्योंकि हम उसका नंबर सेव कर सकें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने उसका जो है ना वो नाम पूछना होता है। अब जैसे कि आप देखें कि उसने मुझे अपना नाम भी बताया है, ठीक है, ये देखें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके जब वो आपको नाम बता देगा तो उसके बाद आपने उसको एक ना मैसेज करना है इस तरह से, ये वाला मैसेज आपने उसको सेंड करना है, जैसे आई एम सानिया खान, मेरा नंबर सेव करें और स्क्रीनशॉट सेंड करें, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ। बहुत से 100 में से 90% लोग होते हैं वो आपको स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि 10% लोग जो है वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये क्या, नंबर तो हमने सेव कर लिया, स्क्रीनशॉट हम क्यों दें इस तरह से ना। तो आपने उनको सिंपली ये बात कहनी है, उनको कहना है कि देखें सर, जब आप जॉब के लिए भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अगर वेटिंग के लिए कहते हैं तो आपको वेट करना होता है, आपको सीवी वगैरह अपनी सबमिट करवानी होती है, तो इस तरह से आप उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करते हैं। तो यहाँ पर आप मुझसे वर्क की डिटेल पूछने आए हैं, हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है, तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जो है वो एंटर होने जा रहे हैं, तो आपको हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको कहना है, अगर वो समझदार होगा तो आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा, उसके बाद कोई सॉरी उसके बाद जो है ना वो कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि इसने मुझे अपना स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड किया है, देखिए आप देख रहे हैं, ठीक है। जब आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है ना क्या करना है आपने, उसके बाद आपने उसको एक वॉइस करनी है, ठीक है। ये वाली वॉइस आपने उसको करनी है, ये सेंड वॉइस में आपने उसको क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया खान है। बेसिकली हमारा काम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है, उनको बताना और सिखाना है किस तरह से अपने घर में बैठ के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो अपने कीमती टाइम में से मुझे 30 से 40 मिनट देने होंगे। मैं जानती हूँ कि आपके बहुत से क्वेश्चन होंगे, काम किस तरह से करना है, अर्निंग कब और किस तरह से आएगी, प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इस तरह से जो है वो अगर आप अपना कीमती टाइम मुझे दे सकते हैं, अपना आधा घंटा 40 मिनट दे सकते हैं, जैसे कि हम आपको हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो अटेंड करना है 30 से 40 मिनट का, अगर आप अपना कीमती टाइम मुझे दे सकते हैं तो अगली का मैसेज करें, मैं आप पे आगे जो है ना आपको गाइड करती हूँ, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपने उनको जो है एक वॉइस मैसेज करना है। अगर तो वो आपको एग्री का मैसेज करता है तो ठीक है, अगर वो आपको एग्री का मैसेज नहीं करता तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि 10 मिनट 15 मिनट वेट कर लेना उसका, अगर वो आपको फिर भी नहीं कर रहा तो आप उनको ना आपने उनको क्वेश्चन मार्क जो है ना वो सेंड कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मुझे उसने यस का मैसेज भी किया है और एग्री का मैसेज भी किया है। जैसे आपको एग्री का मैसेज आएगा, जो आपको एग्री का मैसेज नहीं करते, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि आपने उनके साथ जो है ना उनको किस तरह से डील करना है, उनको क्या कहना है, ठीक है। एग्री का मैसेज आ गया, उसके बाद आपने उनको दोबारा फिर से एक वॉइस करनी है। इस वॉइस में आपने उनको क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ।
थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। मैं जानती हूँ कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं सेशन की बात कर रही थी तो मैं आपको एक लाइव लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। हमारे सेशन की लाइव रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब का लिंक है। लेकिन देखें सर, कुछ चीज़ें जो है वो देखने से समझ आती हैं, कुछ जो है वो सुनने से समझ आती हैं। तो आप लोग, आपने, आपको पता है कि YouTube के लिंक को स्किप करके और फॉरवर्ड करके भी देखा जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। अगर आप मुझे येस का मैसेज करते हैं तो मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच। इतना सा आपने उसको बोल देना, ठीक है? अगर किसी के पास ये वॉइस वगैरह नहीं है तो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है? स्पेशली जो न्यू मेंबर्स हैं, अभी ज्वाइन हुए हैं, जिनको नहीं पता है कि ग्रुप को, यानी कि मेंबर्स को किस तरह से जो है वॉइस करनी है, तो आपको ये वॉइस जो है ना ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसने मुझे यस का मैसेज किया है, ठीक है? यस का मैसेज करने के बाद, हाँ, अक्सर मेंबर होते हैं जो आपको यस का मैसेज नहीं करते हैं, आप लोगों ने उनका वेट करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास एक मेंबर आ रहा है तो आपको वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। देखिए, पाकिस्तान की इतनी आवाम है, इतनी आबादी है, एक मेंबर के जाने से जो ना वो हमारा काम रुकने नहीं वाला। तो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? जैसे उसने मुझे यस का मैसेज किया और उसके बाद जो है मैंने उनको जो ये जो है ना ये वीडियो आपने प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है? उनको आपने वीडियो प्रोवाइड कर देनी है। अक्सर मेंबर्स होते हैं जो वीडियो जो देख लेते हैं, पहली बात ये कि अगर आपके पास कोई मॉर्निंग में 10 बजे या 12 बजे मेंबर आ रहा है तो आपने उसको वीडियो प्रोवाइड किया है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसको 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपने उसको मैसेज करना है कि जी सर, आप मुझे बताएं कि आपने वीडियो देख लिया। अगर उसने वीडियो देखी होगी तो आपको बताएगा, अगर नहीं तो कहेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरह से मैंने नहीं देखी है, मुझे प्लेटफॉर्म की समझ नहीं आई है, मैंने देख लिया है, तो इस तरह से आपको बताएगा। हाँ, जो मेंबर रहते हो ऐसे होते हैं जो आपको ये कहेंगे जी जी मैंने वीडियो देख लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है, मुझे काम की ना समझ नहीं आई है। ऐसे मेंबर्स के लिए आपने क्या करना है कि मैम सिद्रा इमरान का जो है ना एक वॉइस नोट है, वो 2.5 मिनट और 3 मिनट के ऑलमोस्ट करीब है, तो आपने उनको वो सेंड कर देना है, ठीक है? वो अगर किसी भी मेंबर के पास नहीं है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और आपने उनको एक वॉइस करनी है, आपने उनको कहना है कि ठीक है सर, मैं ना आपको एक वॉइस नोट सेंड कर रही हूँ, ठीक है? वो हमारे इन शॉर्ट यानी कि प्लेटफॉर्म की उसमें डिटेल मौजूद है, तो लेकिन शर्त ये है कि सर आपने ना इसको 3 दफ़ा सुनना है, एक दफ़ा नहीं, आपने 3 दफ़ा सुना है। अगर आप 3 दफ़ा सुनेंगे तो मुझे यस का मैसेज करें, मैं आपको वो वॉइस जो है ना वो सेंड करती हूँ। अगर वो आपको मैसेज करता है यस का, तो आप उसको जो है ना वो प्रोवाइड कर दो, वो जो है मैम सिद्रा इमरान का जो वॉइस नोट है आप उसको प्रोवाइड कर दो। उसके बाद भी अगर उसको समझ नहीं आती है तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि आगे जाके आपने इसको क्या कहना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक मेंबर यानी कि उसको एक कोई मेंबर कहता है कि जी जी मुझे समझ आ गया, आगे मुझे बताएं आगे मैंने क्या करना है, तो आगे आपने उसको ना दे देना है, उसका लिंक दे देना है यूट्यूब उसका टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट का ना, आपने उसको लिंक देना, उसके बाद आपने उसको वीडियो प्रोवाइड कर देनी है कि सर आप ना ये जो है मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया और ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट अकाउंट बनाने की वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपने उसको एक इसके साथ वॉइस भी करनी है कि सर इसमें जो सीक्रेट फेजेस यानी कि आपकी 12 कीज होंगी ना, काइंडली आपने इनको डायरी में किसी सेफ जगह पर सेव करके रख लेना है, ठीक है ना? आपने ये मोस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने कस्टमर को मेंबर को देनी है ताकि वो अपनी कीज को संभाल के रखे, ठीक है ना? बाद ऐसे मेंबर होते हैं जो ना नहीं उनको पता चलता, तो आप लोगों ने उनको ये काइंडली गाइड कर देना, उनको बता देना है कि अपनी कीज जो है ना आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाज का आपका फोन खराब हो सकता है, आप अपने मोबाइल को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका फोन चोरी भी हो सकता है, तो आप जो है ना अपनी कीज की मदद से अपना दोबारा अकाउंट जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि हम जैस कैश का पासवर्ड, इसी पैसे का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते, इस तरह से आपने इसको भी किसी के साथ भी जो है ना वो शेयर नहीं करना है, ठीक है ना? आपने इस तरह से इसको गाइड कर देना है, तो अपना वो टोकन पॉकेट अकाउंट भी बना लेता है, सब कुछ बना लेता है, तो उसके बाद आपको कहता है कि जी जी मैंने अपना अकाउंट बना लिया, मुझे आगे बताएं कि मैंने आगे क्या करना है। आगे मैं आपको बता, लोगों ने उसको दोबारा फिर से एक वॉइस करनी है, आपने उनको कहना है कि ठीक है सर, माशाल्लाह से आपने वीडियो भी देखी है और आपने वॉइस नोट भी सुना, जैसे कि उसमें बताया गया था कि आपने अपना जो अकाउंट है $12 से अपने अकाउंट को रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन जो है वो $12 से होगी, तो आपने ये क्या करना है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप अपने किसी रिलेटिव से लेना चाहें तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं डॉलर, अदरवाइज आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से परचेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का वेट कर रही हूँ। अगर वो आपको ये कहता है कि जी मैंने आपसे परचेज करने हैं, तो आप उनको फिर एक वॉइस करें, उनको ये बोलें कि ठीक है सर,
अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आपने जो भी डॉलर रेट चल रहा होगा वो आपने उसको बता देना है, पाकिस्तानी रुपीज में कितने बनते हैं वो आपने उसको बता देना। उसके बाद फिर आपने कहना जी सर आप मुझे बताएं कि आपने मुझे जैस कैश या इस पैसा कौन सा करवाएंगे, मैं आपको क्या सेंड करूँ, किसका नंबर सेंड करूँ, वो आपको जो भी कहेगा आपने उसको नंबर वगैरह जो है ना वो सेंड कर देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद जो वो मेंबर्स हैं जो यानी कि आपका रिप्लाई नहीं करते, यानी कि आपको मैं वीडियो देख लेते हैं, आप कहते हैं वीडियो देख लिया, आपको बिल्कुल यानी कि रिप्लाई नहीं करते या एग्री का मैसेज नहीं करते या ऐसा मैसेज नहीं करते, उन लोगों के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी जो ब्रॉडकास्ट बनानी है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट किस तरह से बनती है सिंपल मैं आपको बताती हूँ, ब्रॉडकास्ट किस तरह से बनानी है आप लोगों ने। यहाँ पे ये बैटरी के नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये न्यू ब्रॉडकास्ट आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लाइक कोई भी मेंबर लाइक मैं इसको इन दोनों को जो है ना वो ज्वाइन करती हूँ, इनको ऐड करती हूँ। ठीक है, ऐसे आपने इनको ऐड कर लेना है, फिर आपने सिंपल जो है ना इन डॉट पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने सिंपली ये इंडोर जो है इस पर क्लिक करना, करने के बाद ये देखें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है ना चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना। आपके जो भी आप इसको मेंबर को जुलाई का मेंबर है, जून का मेंबर है, जो भी आप इसमें आपको डील कर रहे हो, जैसे लाइक मैं इसको ये जुलाई में पेंडिंग मेंबर्स में कोई भी इमोजी लगा देना आपने और इसको ओके कर देना। ठीक है, ये आपकी जो ब्रॉडकास्ट है वो बन गई है। और नंबर किस तरह से सेव करना है, नंबर सेव करने का मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताती हूँ कि आप अपने एक नंबर को किस तरह से जो है वो सेव करना है। यहाँ पर आपने ऐड के ऑप्शन पे जाना है, एक सेकेंड, आपने ऐड के ऑप्शन पे जाना है, क्रिएट नाउ कॉन्टेक्ट, और उसके बाद जैसे ये मेरा मेंबर था ये 51 इस तरह से, और इसको आपने सेव कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है अपनी ब्रॉडकास्ट बना लेनी है। और आप लोगों को आई होप कि मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा।